अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, BCD Tech के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह है OnePlus 5T, और आप सभी को मालूम है कि OnePlus 5T पर आ चुकी है Android Oreo की अपडेट। अगर दोस्तों यहां पर मैं सिस्टम अपडेट्स में चेक करूं तो मुझे दोस्तों कोई अपडेट नहीं देखने को मिल रही है। अगर आप भी देखोगे तो यहाँ पर कोई अपडेट नहीं मिली है इस फ़ोन को अभी तक। और दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर कोई VPN लगा के, जैसे कि ओपरा VPN है, यहाँ पर लगा के जर्मनी कनाडा को कनेक्ट करता हूँ, तो उस केस में भी दोस्तों मुझे कोई अपडेट नहीं मिल रही है। आप एक बार देख लीजिए इस चीज़ को भी। मैंने यहाँ पर VPN जर्मनी का डाल दिया है। आइए चेक करते हैं अपडेट्स के लिए, और अभी भी दोस्तों कोई अपडेट नहीं है। तो फिलहाल अपडेट आ कहाँ से रही है? तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में भी एंड्रॉयड ओरियो की अपडेट अभी तक नहीं मिली है तो दोस्तों मैं आपको एक एप्लीकेशन का लिंक दे रहा हूँ। आप प्ले स्टोर में चले जाइए, आप या तो लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकते हो। यह है दोस्तों ऑक्सीजन अपडेटर। ये एक ऐप है जो कि अर्जन ब्लैक ने बनाई है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसका इसको ओपन कीजिए, कुछ सेटिंग के लिए पूछेगा, और आप इसमें जाकर देखोगे कि ऑक्सीजन OS 5.0.2 आ चुकी है आपके फ़ोन के लिए। आप यहां पर दोस्तों मेथड, जो भी मेथड है डाउनलोड का, उसको सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इंक्रीमेंटल अपडेट को सेलेक्ट किया है। आप यहां पर अपनी डिवाइस नहीं, आप किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट है उसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि OnePlus 2, 3, 3T, 5, 5T, 1 और X, इनके लिए भी आप अपडेट डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में दोस्तों, आपको इंक्रीमेंटल अपडेट चाहिए या फुल अपडेट चाहिए, ये भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैंने इंक्रीमेंटल अपडेट सेलेक्ट किया है, और इस इंक्रीमेंटल अपडेट में अगर आप देखोगे तो मुझे मिल चुकी है ऑक्सीजन OS 5.0.2 की अपडेट। और ये अपडेट दोस्तों अब डाउनलोड हो रही है, आप यहाँ पर डाउनलोडिंग में भी देख सकते हो। तो ये जो अपडेट है करंटली डाउनलोड हो रही है, और इसमें मुझे मिल जाएगी नई एंड्रॉयड वर्जन ओरियो 8.0। और दोस्तों इसमें क्या अपडेट हुआ है, एप्लीकेशन पार्ट में न्यू लॉन्चर वर्जन 2.2 आ रहा है, मतलब कि नया लॉन्चर मिल रहा है। और साथ में गैलरी जो ऐप है वो भी यहाँ पर अपडेट हुई है, वर्जन 2.0 मिल जाएगा। वेदर ऐप भी अपडेट हुई है, 1.9 मिल जाएगा। और जो फाइल मैनेजर है, ऑल्दो दोस्तों उतना अच्छा नहीं होता है, बट यहाँ पर फिर भी एक अपडेट आई है इसकी भी, 1.7.6। और इसके सिवाय आपको क्विक सेटिंग्स का नया डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, कुछ बग्स या इम्प्रूवमेंट मिलेगी, और साथ में कुछ सिक्योरिटी पैच जो कि CPU के लिए लगा हुआ है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है कुछ अपडेट्स, और यहाँ पर देख लीजिए जो डाउनलोड साइज है वो 1.6 GB का है, मतलब कि 1688 MB का है। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको समय लग सकता है। तो यहाँ पर मैं VPN बंद कर देता हूँ, और उसके बाद स्पीड शायद थोड़ी सी बढ़ जाए। तो यहाँ पर जो अपडेट है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब ये अपडेट को वेरीफाई कर रहा है, और कैसे इंस्टॉलेशन करनी है यहाँ पर बताया है कि मुझे सबसे पहले तो फ़ोन को रिकवरी मोड में डालना होगा, उसके बाद दोस्तों मुझे इस अपडेट फाइल को सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद अपडेट स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए दोस्तों इसको कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये जो प्रोसेस है ये मैं दोस्तों आपको नहीं दिखा पाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टली अपने फ़ोन के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा हूँ, और सारी रिकॉर्डिंग दोस्तों क्योंकि ऑफलाइन हो जाएगी। तो दोस्तों आते हैं जब ये अपडेट कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों ये फ़ोन अब रीबूट हो चुका है, देख लीजिए ये है ओरियो OnePlus 5T के ऊपर। और अगर दोस्तों देखा जाए अभी भी जो अपडेट है वो फिनिश हो रही है, और यहाँ पर आपको क्या क्या अपग्रेड मिलती हैं इसके बारे में तो मैं आपको किसी आगे वाली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ओरियो के साथ आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिलती है, आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, ये तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है। बट दोस्तों अभी तक के लिए आप देख सकते हो कि कुछ आइकन्स हैं यहाँ पर वो चेंज हुए हैं। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को पॉज कर सकते हो, स्नोज कर सकते हो, और साथ में अगर सेटिंग को देखा जाए तो यहाँ पर जो आइकन्स हैं वो काफ़ी चेंज हुए हैं। और अगर फ़ोन के बारे में देखा जाए तो देख सकते हो कि ऑक्सीजन OS 5.0.2 यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, और यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन है 8.0.0 जो कि एंड्रॉयड ओरियो है, और यहाँ पर आप इसका ब्यूटीफुल वॉलपेपर देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने OnePlus 5T के ऊपर एंड्रॉयड ओरियो की अपडेट ले सकते हो। तरीका आसान है, आपको एक एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बताई है ऑक्सीजन अपडेटर, इसको डाउनलोड करना है, उसके बाद अपना फ़ोन सेलेक्ट करना है,
और जो अपडेट आपको मिल रही है आइदर आप फुल रोम को डाउनलोड कर लें या फिर इंक्रीमेंटल OTA अपडेट को डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप आइदर रिकवरी के थ्रू उसको इंस्टॉल करें या फिर दोस्तों एक तरीका और भी है जो कि काफ़ी आसान है, आपको रिकवरी मोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर जाइए सेटिंग के अंदर सिस्टम अपडेट में जाइए और यहाँ पर आपको एक सेटिंग वाला बटन मिलेगा, इसमें जाइए और लोकल अपडेट पर टैप करके जो फाइल डाउनलोड हुई है उसको टैप करके अपग्रेड कर लीजिए। तो मैंने इसी तरीके से अपने OnePlus 5T के ऊपर और एक ही अपडेट को डाला है। तो दोस्तों देखा कि काफ़ी आसानी से आप अपने फ़ोन को अपग्रेड कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।